गाइस, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं आप सबकी प्यारी जसप्रीत कौर मठारू। दोपहर के बज गए थे 3, कुछ खाने का मन हो रहा था कि मैंने कहा चलो कुछ खा लें, और मैंने जल्दी से शिमला मिर्च काटी, प्याज, टमाटर और थोड़ा पनीर पड़ा था, मैंने पनीर काटा। और मैं आपको जल्द से अभी दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। अब मैं जल्द से जल्द इसको फ्राई करूँगी बढ़िया सा। थोड़ा सा बटर कम दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा कम दिख रहा है बटर, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इतना काफ़ी देता हूँ। और गाइस, किस किस का मन कर रहा है खाने का? अभी मैं जब बनाऊंगी प्रॉपर, तब हम सब मिलकर एक साथ खाएंगे, आप और मैं। ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला जो मैं इसमें डालने वाली हूँ, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालूंगी ये पूरा फ्राई होने के बाद। जस्ट अब मैं डालूंगी थोड़ा सा साल्ट, क्योंकि साल्ट थोड़ा कम डालना है, क्योंकि बटर के अंदर भी थोड़ा सा नमक होता है। इतना काफ़ी है। थोड़ा गैस सिम कर दूंगी मैं। खुशबू तो गाइस बहुत अच्छी आ रही है, फ्रेग्रेंस की। चीज, अनियन, पोटैटो एंड कैप्सिकम। मतलब इसको ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि कैप्सिकम ज्यादा नहीं पकानी, आधी कच्ची पक्की अच्छी लगती है। ये हमारा हो गया फ्राई, एंड मैं इसको रख दूंगी यहाँ। और जल्द से जल्द मैं इसको पहले प्लेट में निकाल लेती हूँ बढ़िया सा। अब मैं यहाँ से प्लेट उठाऊंगी और अब हम चलेंगे अंदर। यस गाइस, वेलकम टू माय रूम। बढ़िया सा, यहाँ पर ही हम अक्सर, ये हमारा बेडरूम है, यहाँ अक्सर मैं इलेक्ट्रिक का जो भी काम है वो यही करने आते हैं। बच्चे छोटे हैं, अभी थोड़ा फोड़ी कर देते हैं, तो मैंने यहाँ संभाल रखा है। मेरे इस टोस्टर को कम से कम 10 साल हो गए हैं और अभी तक चल रहा है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस कंपनी का है। गाइस, आप भी जाएं मार्केट में, ये लीजिए, ये कंपनी इतनी अच्छी है। यस गाइस, ये मेरा है नोवा का। थोड़ा सा प्रिंट ऊपर से उतर गया है, बट लेकिन मुझे याद है ये नोवा का था। और मैं इसका प्लग कर दूंगी ऑन। पिछले हफ्ते मैंने किया था, मैंने इसके लिए एक अलग से कपड़ा ले रखा है जो इसी पर ही यूज होगा। इसको पूरे क्लीनिंग करती हूँ, एकदम सूखा कपड़ा, गीला कपड़ा बिल्कुल नहीं लेना। हाँ जी गाइस, तब तक ये हॉट हो जाए। चलिए गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। मैंने ब्रेड लिया है, दो सैंडविच तो मैं खा लूंगी, एक सारा एंड एक खुशी।
बाकी जो पेस्ट इसका बच जाता है वो हम फेंकते नहीं हैं, उसको मैं खाने के साथ ईट कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर हल्का सा लगाती हूँ सबसे पहले बटर, पहले मैं इसको थोड़ा फील करूँगी, हमारे उसी जो हमने बनाया था पेस्ट उसी से फील करेंगे। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया फीलिंग आ रही है इसकी, अब ये है हमारा बटर, इसको मैं जरा यहाँ लगाती हूँ। यहाँ रख दिया साथ में एक फटाफट से, और दूसरा मैं तैयार करती हूँ रेडी। गाइस आपको नजर आ भी रहा है कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। अब मैं क्या करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ, ये हो गए मेरे रेडी। अब मैं थोड़ा इसके ऊपर बटर लगाऊंगी, थोड़ा यहाँ, यहाँ, यहाँ। ये हमारा बढ़िया सा बन गया ये। अब मैं इसको कर दूंगी क्लोज। क्लोज करने के बाद जब तक हमारी ये ग्रीन लाइट ऑन नहीं हो जाती हम इसको ओपन नहीं करेंगे, वेट करते हैं। तब तक गाइस मैं स्पेस जो मेरा बच गया है मैं इसको थोड़ा ईटिंग कर कर देखती हूँ। आप भी खा लीजिए। वेरी यम्मी एंड टेस्टी गाइस, देखिए ग्रीन लाइट आ गई। अब मैं इसको ओपन करूंगी, काफी बिल्डिंग आई है ऑफ, यहां से बटन मैं ऑफ कर दूंगी, इसका प्लग दूंगी यहां से, और मैं इसको निकालती हूँ। छोटे बच्चे हाथ ना लगा दे, मैंने इसको नीचे रख दिया। चलिए गाइस अब हम चलते हैं गाइस, और मैं इस रूम में आ जाऊंगी, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, और मैंने घर की बनी उसका भी मैं रेसिपी आपको बता दूंगी कि मैंने ग्रीन सॉस कैसे बनाई थी। ये देखिए गाइस मैंने बनाई है ग्रीन चटनी फ्रिज से निकाली, और ये मैं कटर फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि मुझे बार बार सैंडविच बनाने होते हैं। हाँ सॉस ले आओ, मैं तो ग्रीन ही लेती हूँ, बच्चे टोमेटो सॉस ले लेते हैं। हाय मैं नहीं आ रही हूँ, सब आएंगे सब आएंगे। ओह Ah.
सही है। बस पूछा दी पूछा कैसे बनाई ये गंदा सा शिमला मिर्च नहीं डालती थी। डालते हैं बेटा, शिमला मिर्च खानी बहुत अच्छी होती है आपके लिए, ठीक है। यू मम्मा डिस्ट्रेसिंग। ये सारा दीदी का रहने दो, ये आप खा लो फटाफट से। दीदी का रहने मुझे नहीं खाना ये गंदा सा। ये आपने खानी है? हाँ। पसंद है? हाँ। खा लो फिर। गाय सारा बहुत तंग करती है क्योंकि इसका पेपर है, इसने अपना पेपर कर लिया है और जल्दी उठकर ये फटाफट सो जाती है। ये रही मेरी घर की बनी सॉस। गाइस किसका मन कर रहा, आ जाओ। अच्छा चलो गाइस हम खा लेते हैं अब इसके बाद। जिसको भी ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है प्लीज़ घर पर जरूर बनाएं, और कौन किस किस ने बनाया और कमेंट में बताएं। हाँ इस वीडियो को, इस ब्लॉग को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल का बटन जरूर दबाना। बाय।